फिर से एक नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने देखा शिखर पतन क्यों होता है, शिखर पतन का मतलब क्या होता है, अभी हम देखने वाले हैं कि शिखर पतन का उपचार क्या है, शिखर पतन कैसे ठीक किया जा सकता है। एक तो क्या है, पहला कि जिनको जिनको शिखर पतन है, जिनको प्रॉब्लम है, उन्होंने फोर प्ले काफ़ी समय तक करना चाहिए, क्योंकि सेक्स बोले तो फोर प्ले भी आता है। फोर प्ले मतलब पहले प्रणय क्रीड़ा, 5 से 15 मिनट तक आप प्रणय क्रीड़ा कर सकते हैं, फोर प्ले कर सकते हैं, जिसमें एक दूसरे को स्टिमुलेट करना, एक दूसरे को किसिंग करना, हगिंग करना, मसाज करना, गप्पे मारना, खेलना, जो भी करना है वो करो। जो जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वो सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर हाथ लगाओ, घुमाओ, टच करो। क्लाइटोरिस को जो योनि लिंग है उसको स्टिम्युलेट करो, योनि में आप उंगली डाल के फिंगरिंग कर सकते हैं, ओरल सेक्स कर सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे कर सकते हैं एक्टिविटीज़ की जिसमें दोनों को भी मजा आएगा फोर प्ले। तो उसमें क्या होता है कि औरत जो है वो हीट पे आती है, इसका मतलब बहुत एक्साइट हो जाती है, उसका स्त्राव होना शुरू हो जाता है, स्क्विरिटिंग बोलते हैं उसको, उसका स्त्राव होना शुरू हो जाता है। और बाद में फिर आप यदि करते हैं सेक्स तो फिर उसको ऐसा लगेगा नहीं औरत को कि भाई जल्दी हो गया, उसका समाधान हो जाएगा और शिखर पतन का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। मतलब होता क्या है कि यदि आप फोर प्ले नहीं करते हो और तुरंत इंसर्शन करते हैं, ज़्यादा फोर प्ले नहीं करना, इंसर्शन तुरंत करना, तो नेचुरली उसको ऑर्गेजम के लिए टाइम लगता है, औरत को एक्साइटमेंट होने को टाइम लगता है, तब तक पुरुष का फॉल हो जाता है। तो एक तरीका ये उपचार का ये हो गया कि फोर प्ले लंबा करना। फिर दूसरा जो है कि आप जितना ज़्यादा फोर प्ले में खेलते हैं और जितना ज़्यादा क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करते हैं योनि लिंग का, क्योंकि क्लाइटोरिस जो है ना बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है, योनि का बाहरी हिस्सा जो है 1.5 इंच वो भी बहुत सेंसिटिव है, तो वो करना, फिंगरिंग करना कंधे के ऊपर, ये बहुत सेंसिटिव रहता है। फिर ब्रेस्ट सकिंग करते हैं लोग, ब्रेस्ट को प्रेस करना, मसाज करना, पीछे बटक्स पे मसाज करना और एक दूसरे को स्टिम्युलेट करना। जो सेंसेट फोकस मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक है उसमें भी ये बताया गया है कि भाई आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हो, शुरू शुरू में पहले कुछ दिन तक प्राइवेट पार्ट्स को टच नहीं करते हैं और बाद में फिर प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं। तो ये हो गया एक तरीका, आगे के जो तरीके हैं वो अगले वीडियो में आएंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शिखर पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।